लड़के बच्चे, क्या कौन सा कीड़ा काटता है तुम्हें, मुझे बता दो। बच्चों के साथ ऐसा सलूक नहीं करते, प्यार से बात करें। ये बच्चा, ये बस बचा हुआ है मेरे हाथों से। माला पे मैंने इसको मना भी किया था, बार बार मना किया, ये अलम गलम चीजें मत खाया करो, इधर तो मुझे गला खराब हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा ये सब छोड़े, मुझे दो कप चाय ला दे। ये तो स्टार्टर के तौर पर मुझे और तलब हो रही है, प्लीज चाय ला दे। एक बात बताए, ये दो कप चाय साथ पीने की क्या साइंस है? वो एक्चुअली, अरे सर पहले मुझे तो फ्री कर दे, आप अपनी कहानियां बताते रहेगा ना। अच्छा जाओ बैठो। हाँ तो मैं आपको क्या बताता, मेरी और मेरी बीवी की पहली मुलाकात चाय के ढाबे हुई थी। हम दोनों को चाय पीने का बहुत शौक था, तो बस उसकी याद में ये दूसरा कप पीता हूँ। जरूर पीनी चाहिए, मैं भी लाती हूँ। थैंक यू। हाँ भाई चलो बुक्स निकालो। इसकी तो मिसेस की यादें खत्म नहीं हो रही है, दो कप चाय ऐसे पीनी है और यहाँ मेहनत करके मैं खुआर हो रही हूँ। अरे तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, वो दो कप पिए या चार कप पिए। चाची कम से कम अपनी मिसेस की याद में शमा जलाने वाला दूसरा कप तो घर जाके पिए ना, यहाँ तो बच्चों पर फोकस करे वो। उसके फोकस की वजह से ही डॉलर फुल बटा फुल मार्क्स लेकर आया आज की क्लास टेस्ट में। चाची देख ले, आपके घर के दूध का खर्चा बढ़ेगा फिर। देखो माला, अगर गुल्लू भाभी आज जिंदा होती है ना बहुत खफा होती। अरे मेहमान तो रहमत होते हैं, वो अपने नसीब का खाते हैं। एक तो तुमने उसका थर्मस तोड़ दिया, ऊपर से तो मैं इतनी बातें करी, हटो मैं खुद ही चाय बना लेती हूं। ज्यादा टची होने की जरूरत नहीं है, बना रही हूँ चाय में। जल्दी बनाओ ना, तलब हो रही होगी उसको चाय की। अरे वही तो कर रही हूँ, नशा थोड़ी टूट रहा है उसका। चाची प्लीज आप जरा पतीले में पानी भर देना, आप मुझे पतीले और चीनी दे दे। माचिस किधर है यार, माचिस तो बताओ। अल्लाह के वास्ते तू जा, माफ कर हमें, हम खुद ही बना देते हैं। ओके।